हेलो एवरीवन, आर्टिकल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम सीखेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमने जो भी फोल्डर शेयर किया है उसको आर्टिकल 6 में कैसे माउंट करते हैं, कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, विंडोज 7 में जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है, जो फोल्डर शेयर किया है उसका नाम है, शेयर नेम है सॉफ्टवेयर और यूजर नेम है एडमिन। एडमिन यूजर से हमें उसे एक्सेस करना है, पासवर्ड है 5 स्टार और IP जो हमने कॉन्फिगर किया है विंडोज 7 मशीन पर है वो है 172.18.207.9। और आर्टिकल 6 मशीन में जहाँ पे हमें विंडो शेयर को जहाँ पे हमें माउंट करवाना है वो पाथ है /etc/win7। ठीक है, आर्टिकल 6 मशीन का IP एड्रेस है 172.18.207.10। ठीक है, एक बार चल के हम IP कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर कॉन्फ़िगर है या नहीं। सबसे पहले हम चलते हैं विंडो 7 मशीन पर। ठीक है, आप दो तरह से आप IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। एक पहला है ग्राफिकल, माई नेटवर्क प्लेस की प्रॉपर्टी में जाइए, फिर चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, फिर लोकल एरिया कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फिर आ रहा है स्टेटस, यहाँ पर चेक कीजिए, फिर डिटेल्स, यहाँ पर आपको बताएगा उसका IP एड्रेस। तो देखिए प्रॉपर कॉन्फिगर है यहाँ पर जो हमने लेब में देखा था। ठीक है, और दूसरा तरीका मैंने बताया था, दो तरीके से आप IP एड्रेस चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका कमांड प्रॉम्प्ट से आप चेक कर सकते हो IP कॉन्फिग कमांड से। ठीक है, यहाँ पर भी शो कर रहा है, देखिए 172.18.207.9। ठीक है, अब लिनक्स मशीन पर IP कॉन्फिगरेशन चेक कर लेते हैं। लिनक्स में अगर आपको IP कॉन्फिगरेशन चेक करना है तो इसके लिए कमांड है इफ कॉन्फिग ETH0 आपके इंटरफेस का नाम है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंटरफेस का IP कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो इफ कॉन्फिग कमांड लिखकर उस पर्टिकुलर इंटरफेस का आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, केवल आप इफ कॉन्फिग लिखेंगे तो इस PC में जितने भी लैन कार्ड होंगे, जितने भी इंटरफेस होंगे, उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा। लेकिन अभी मुझे से पर्टिकुलर एक ही इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ETH0। तो देखिए यहाँ पर भी IP एड्रेस कॉन्फिगर है। तो अभी हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं विंडोज 7 और RHEL 6 मशीन के बीच में। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कमांड है पिंग, फिर विंडोज 7 मशीन का IP एड्रेस। तो कनेक्टिविटी फुल है, यहाँ से कनेक्ट है RHEL 6 मशीन विंडोज 7 से कनेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं विंडोज 7 मशीन कनेक्ट है या नहीं। ये भी कनेक्ट है। अब हमें विंडोज 7 में एक फोल्डर शेयर करना है, तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैंने क्रिएट किया है सॉफ्टवेयर नाम से। अब इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी में जाइए, फिर शेयरिंग, उसके बाद एडवांस शेयरिंग, फिर शेयर दिस फोल्डर और शेयर नेम इसको दे दीजिए सॉफ्टवेयर परमिशंस। मैं यहाँ से एवरीवन यूजर को रिमूव कर देता हूँ और ऐड करके सिर्फ एडमिन यूजर को एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, उसको रीड एंड राइट की परमिशन देते हैं। ओके, ये फोल्डर हमारा शेयर हो चुका है। अब इसके अंदर एक फोल्डर और क्रिएट कर देता हूँ मैं, इसको नाम देता हूँ win7। ठीक है, अब इस फोल्डर को हमें एक्सेस करना है या माउंट करना है RHEL 6 मशीन में। तो कैसे माउंट करते हैं देख लीजिए, उसके लिए कमांड है माउंट -t CIFS-O ऑप्शन के लिए यूजर नेम बराबर विंडोज 7 का जो भी यूजर नेम, जिस यूजर नेम से आप एक्सेस करना चाहते हैं, फिर उसका पासवर्ड, उसके बाद स्पेस दे करके /ff करके विंडोज 7 मशीन का IP एड्रेस लिखना है या उसका नाम लिखना है, फिर जो भी फोल्डर आपने शेयर किया है उस शेयर का नाम लिखना है और कहाँ पर आपको माउंट करवाना है RHEL 6 मशीन में, उस लोकेशन का वो लोकेशन आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, हमारी इस वीडियो में जो हमारी जो प्रैक्टिकल वीडियो में जो लोकेशन है वो है /etc/win7। ठीक है, तो ये हम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं डायरेक्टरी mkdir/etc
इसके अंदर बिन 7 तो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब पहले हम माउंटिंग पॉइंट की एंट्री देख लेते हैं। माउंट पॉइंट की एंट्री देखने के लिए एक कमांड होता है df-h, यहाँ पर भी /etc/mnt/etc/bin7 के लिए कोई माउंट पॉइंट माउंट एंट्री नहीं है। तो माउंट करने की कमांड हमने देखा था mount-t, फिर cifs, फिर -o, फिर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, कमा उस यूजर का पासवर्ड, पासवर्ड सेट किया था हमने 5 स्टार, फिर /forward/ विंडोज ऑन मशीन का आईपी एड्रेस, फिर उस फोल्डर का नाम जो आपने सेट किया था, और कहाँ पे आपको माउंट करना है /etc/bin7। ठीक है, तो आप df-h कमांड यूज करके देख लीजिए। तो माउंटिंग पॉइंट यहाँ पर देखो आपकी एंट्री क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब चेक कर लीजिए कि वो फोल्डर यहाँ पे एक्सेस हो रहा है या नहीं। ls-l, ठीक है, वहाँ पे हमने विंडोज में जो फोल्डर क्रिएट किया था उस सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर win7 यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। अब यहाँ से एक फोल्डर और एक फाइल क्रिएट करके देखिए, वो विंडोज में एक्सेस हो रहा है नहीं। तो अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपकी माउंटिंग पॉइंट की एंट्री सही हुई है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए कमांड है mkdir rhel6 नाम देता हूँ, और फाइल ब्लैंक फाइल क्रिएट, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है touch, फिर फाइल का नाम abc.txt। चेक कीजिए विंडो 10 में, तो देखिए यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है फाइल और वो फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है rhel6। ठीक है, इस तरह आप विंडोज 7 के शेल को RHEL6 मशीन में माउंट करवा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात देख लीजिए कि अभी जो हमने माउंटिंग पॉइंट की एंट्री की है, माउंट किया है जो शेल, ये जो एंट्री है वो कब तक रहेगी? वो भी टेम्प्रेरी एंट्री है। ठीक है, जैसे आप इसे रिबूट करोगे तो ये एंट्री रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, रिबूट करके देखते हैं एक बार। जब तक वीडियो रिबूट हो रहा है तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब लॉगिन करके देखता हूँ मैं। df-h, देखिए वो माउंट पॉइंट की एंट्री रिमूव हो गई है। ठीक है, अब आप अगर आप एक्सेस करोगे विंडो शेयर को तो वो एक्सेस नहीं होगा। cd/etc/bin7, देखिए यहाँ पे कोई फोल्डर या फाइल नहीं है जो आपने वहाँ पर क्रिएट की थी। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उसको अगर आपको रिजोल्व करना है, तो उसके लिए आपको परमानेंट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, परमानेंट एंट्री करने के लिए एक फाइल में एंट्री करनी पड़ती है, उस फाइल का नाम है /etc/fstep। ठीक है, fstep फाइल होती है वो /etc के अंदर लोकेटेड होती है, तो हमें वही करना है। अभी हम उस फाइल को एडिट करके, ये जो एंट्री जो हमने की थी वो एंट्री हम /etc/fstep फाइल के अंदर करेंगे, ताकि मशीन को अगर रिबूट भी करना पड़े तब भी वो एंट्री रहेगी, ताकि आपको बार बार वो माउंट ना करना पड़े। तो चलिए उस फाइल को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए कमांड है vim, फाइल से आप न्यू नई फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और कोई फाइल बनी हुई तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये vi एडिटर है, उसी का एडवांस वर्जन है। फिर इंसर्ट मोड में जाइए और यहाँ पे एंट्री, अब यहाँ पर आपको माउंट क्या करवाना है उसका पाथ पहले देना है।
कहाँ पे माउंट करना है, विन 7 उसका पाथ, पेज CIFS और यूजर इज इक्वल टू एडमिन कॉमा पासवर्ड इज इक्वल टू 5 star ठीक है। अब इस फाइल को सेव कर लीजिए, सेव करने के लिए है एस्केप कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एपस टाइप की फाइल को एंट्री को अपडेट करने के लिए कमांड है माउंट हाइफन ए। अब चेक कीजिए एंट्री df हाइफन h, देखिए यहाँ पे एंट्री क्रिएट हो चुकी है ठीक है। अब उसको एक्सेस करके देखिए cd/etc/win7ls-h, देखिए वो क्रिएट हो वो एक्सेस हो रहा है फोल्डर जो आपने विंडो 7 में शेयर किया था ठीक है। अब वापस रिबूट करके देखते हैं, जब तक ये वीडियो रिबूट हो रहा है तब तक, जब तक ये मशीन रिबूट हो रही है तब तक हम इसको वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं रूट यूजर से एडमिन। चेक कीजिए एंट्री df-h, तो देखिए अभी वो एंट्री है, अभी हमने माउंट नहीं किया, सिर्फ लॉगिन करके चेक किया एंट्री। तो अगर आपको कोई भी माउंट पॉइंट की कोई भी एंट्री परमानेंट एंट्री करनी हो, कोई भी माउंटिंग डिवाइस की परमानेंट माउंटिंग एंट्री करनी हो किसी भी डिवाइस की, तो उसके लिए आपको एपस्टेप फाइल में एंट्री करनी पड़ेगी ठीक है। एक्सेस करके देख लीजिए फोल्डर cd/etc/win7ls-h ठीक है, एक्सेस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।